वन माफिया से निपटने को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। वन रक्षकों की सुरक्षा को बनाई गई नीति को भी शीघ्र धरातल पर उतारा जाएगा। ये बात वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने मनाली में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। मनाली दौरे के दौरान भरमौरी मनाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की जांच निष्पक्षता से की जा रही है। जो भी उस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक अधिकारों से लैस कर वन रक्षकों को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही बिना सिग्नल वाली जगह में वॉकी टॉकी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आपात स्थिति में वन रक्षक आसानी से अपना काम कर सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग जंगलों की रक्षा करने और वन संपदा को संजोए रखने को हर संभव प्रयास करेगी। प्रदेश में पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और अभियान के द्वारा ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाएगा। रोहतांग रोपवे के निर्माण में कट रहे 2654 पेड़ कटने के जवाब में मंत्री ने कहा कि विकास के लिए हल्का फुल्का नुकसान उठाना मजबूरी है। पौधारोपण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और विकास के चलते कटने वाले पेड़ों के बदले और अधिक पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। उसके साथ साथ नुकसान और लॉन्ग रन में उसका फायदा होता है। जैसे हम हाइड्रल प्रोजेक्ट या और कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आप तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। फिर तो आप सड़क भी नहीं बना सकते, आप जा नहीं सकते, गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकते। आपको हमेशा फिर पदयात्रा ही करनी पड़ेगी, तो आपको पता कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और जब वो कटेंगे तो उसके बाद लगेंगे, ये नहीं है। उसमें प्रावधान होता है कैट प्लान में, और उसमें पैसे का प्रावधान होता है। उसके बाद प्लांटेशन की जाती है जहाँ भी, जैसे हाइड्रल प्रोजेक्ट है, जहाँ मक डिस्पोजल साइट होते हैं। अब आप शायद भरमौर की तरफ गए हैं कि नहीं, मैं तो उदाहरण दे देता हूँ। जो रावी नदी पे जितने हाइड्रल प्रोजेक्ट बने हैं, थी डैम है, चमेरा वन है, चमेरा टू है, चमेरा थ्री है, और फिर उसके बाद गुडुल प्रोजेक्ट है, उसके बाद अब GMR का प्रोजेक्ट है, रावी पे बन रहा है, बड़ा बंगाल में बन रहा है, और होली बिजोली प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उसकी जो मक डिस्पोजल साइटें हैं, जिस दिन मैंने टेक ओवर किया जो फर्स्ट मिनिस्टर, तो वो सारी मैंने प्लांटेशन से भर, और उसमें 60% वाटर प्लांट, 40% जो है वो फ्रूट प्लांट है एंड अदर प्लांट है, वो लगा दिए। और अब वो 4 सालों में जंगल बन के आ सर। तो इस ढंग से ये करना पड़ता है, इसमें प्रावधान होता है पैसे सर, जहाँ जहाँ कोई आपने विकास करना है। वहीं शिमला नगर निगम के चुनाव पर मंत्री ने कहा कि ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।